हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। ये ली है हमने दाल, जो है तुअर, मूंग और मसूर। इनकी मिला के मैंने बनाई थी, रात को बनाई थी। ये थोड़ी बच गई है, एक कप पूरा ओवरफ्लो हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये एक हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है। ये देखिए, मैंने हरा कटा हुआ धनिया लिया है, काफी सारा है, एक मुट्ठी पूरा धोकर अच्छे से बारीक काट लिया है। नमक है स्वाद अनुसार, चाट मसाला है 1/2 टीस्पून, और ये देख सकते हैं आप, आधा चम्मच जीरा है, 1/4 टीस्पून अजवाइन है जिसको हमने हाथ से क्रश कर लिया है, और 2-3 पिंच हमने हल्दी ली है। ये लिया है हमने आटा, जो 1 कप है, और मैं देखूंगी कि कितना आटा मुझे डालना पड़ेगा। और एक प्याज को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है अपने इसमें चॉपर में, क्योंकि अगर मोटी प्याज होती है तो वो जो है पराठे से निकलती है बाहर। ये देखिए कितने अच्छे से चॉप कर लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आटे में हम जीरा, हल्दी, अजवाइन ये डाल देंगे। नमक हमें देखकर डालना है, क्योंकि दाल में भी नमक है, तो आप पहले टेस्ट कर लीजिए या कम डालिए पहले। चाट मसाला डाला है, हरी मिर्च ऑप्शनल है, अदरवाइज आप बीज निकाल कर डाल सकते हैं, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और ये है खूब सारा कटा हुआ धनिया, जो आपको कलर देगा, हरा कलर इसमें बहुत अच्छा लगेगा, आपको नहीं लगेगा कि बची हुई दाल के पराठे हैं। और अब हम इसमें करने जा रहे हैं मिक्स ये दाल। पहले हम चम्मच से थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे, ऊपर से मैं इसमें ये प्याज भी डालूंगी। देखिए कितनी बारीक कटी हुई प्याज है, बहुत बारीक कटा हुआ है, तो ये पराठे में अच्छे से मर्ज हो जाएगा, ये पराठे जो है फटेंगे नहीं। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए ऐसा कोई रेशो नहीं है, आप पहले मिक्स करके देख लीजिए, अगर आटा पतला लगता है तो थोड़ा सा आटा हम इसमें और ऐड कर देंगे। ऐसे आप मिक्स करेंगे पहले, ये देखिए, यानी 1 कप आटे में ये आधा कप से ज्यादा हमने दाल ले ली है। अब हम ये दाल और डाल देते हैं इसमें, और थोड़ा सा हम इसमें मिक्स करके आटा और ऐड करेंगे। थोड़ा सा आटा हमने इसमें और लगा लिया है, 2-3 टेबलस्पून, ये देखिए। अब हम इसको हाथ से मिक्स कर रहे हैं, इजीली ये हाथ से मिक्स हो जाए, ऐसे हमें करना है इसको। इसमें हमें कोई ऑयल, कोई घी नहीं डालना है, क्योंकि सब कुछ दाल में डला हुआ है, हींग भी डला हुआ है। तो बस आप कटा धनिया, प्याज डालिए, हरी मिर्च डालिए और इसको बनाइए, बहुत टेस्टी बनते हैं। देखिए आटा जो है वो अच्छे से लग गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, आधा चम्मच के करीब ऑयल हम ऊपर से लगाएंगे, और इसको ढककर इसी में रख देंगे। ये देखिए मैंने ऑयल लगा के इसको रख दिया था 10 मिनट के लिए, और थोड़ा सा इसको हाथ से चिकना कर लिया है। ये देखिए कितना अच्छा आटा बनके ये तैयार है, देखिए आप कितना सॉफ्ट आटा है। तो 10 मिनट रखने से आटा जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो अब हम इसमें से तोड़ेंगे लोई, जितना बड़ा आपको बनाना है। और मैं यहां बताना चाहूंगी कि अगर आप 1 कप आटे से बना रहे हैं तो आप दाल उतनी ही यूज कीजिए, यानी अगर ज्यादा आटा आपको नहीं लगाना है तो उतना ही आटा और उतनी दाल लीजिए जितना आप रोज यूज करते हैं। ये कम से कम भी तो 10 पराठों के लिए है जो मैंने मेजरमेंट लिया है, यानी 1.5 कप आटा और 1 कप दाल, ये कम से कम भी 8-10 पराठों के लिए है। तो ये हमने बना ली है फर्स्ट क्लास की लोई। देखिए प्याज कितने अच्छे से इसमें मर्ज हो गई है। इसको हम सूखे आटे से लगाएंगे और इसको बेलेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। ये देखिए हम इसको इतना बेल लेंगे, इसमें अंदर हम लगाएंगे थोड़ा सा घी ताकि अच्छे से अंदर से इसकी परत खुले और ये लगे। थोड़ा सा आटा इस पर डस्ट करेंगे, और देखिए एक तो खाना वेस्ट नहीं होता है, एक पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, तो क्यों ना आप कुछ चेंज करके ऐसे बनाएं ताकि खाना वेस्ट भी ना हो और कुछ आप
अच्छा कर सकें। और ये आज की कोई नई रेसिपी नहीं है, ये मैं आपसे कोई नई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, ये बहुत पुराने से हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी मदर ये करती रही हैं। तो जो बिगनर्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगी। ये देखिए, आप किसी भी शेप में इस तरह से परांठे बेल लीजिए। ये देखिए, थोड़ा सा इसको हम मोटा रखेंगे और इसको ऐसे शेप दे देंगे। थोड़ा सा हमने इसको मोटा रखा है ताकि ये खस्ता बने, बाकी जैसा आप बनाते हैं वैसा बनाइए। और इसको अब हम तवे पर डाल देंगे। तवा हमने पहले से गर्म होना रख दिया है। कहीं से प्याज या धनिया की वजह से वो अगर शेप चेंज होती है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। जब तक पराठा हमारा सिक रहा है, ये हम दूसरा पराठा भी एक बेल लेते हैं। और इसको भी हम ऐसे ही बीच में घी लगाएंगे। आप ऑयल लगाना चाहें आप ऑयल लगा लीजिए। मैं आज घी से पराठे बना रही हूं तो मैं घी यूज कर रही हूं। थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसको इसी तरह से हम फोल्ड करेंगे। आप इसको तिकोना बना सकते हैं, आप इसको गोल बना सकते हैं, चॉइस आपकी है। अब हम इसको पलटते हैं। ये देखिए, इधर से ब्राउन ब्राउन ये थोड़ा चित्ती जैसे आना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब हमारा पराठा सिक गया है। और यहां आपको स्लो टू मीडियम फ्लेम पर रखना है। क्यों? क्योंकि हमारे पराठे थोड़े हम मोटे वाले बना रहे हैं तो अंदर से पराठा कच्चा नहीं रहना चाहिए। देखिए, पराठा सेकने में भी एक वो रहता है कि अगर आपका पराठा कच्चा कच्चा है, ऊपर से क्रिस्पी हो गया तो वो बात नहीं आती। तो ये हमने चारों तरफ लगा लिया है इसके घी और अब हम इसको पलटेंगे। ये देखिए, परफेक्ट फ्लेम जो है वो स्लो टू मीडियम रखेंगे। घी में थोड़ा सा धुआं उड़ता है घी के पराठे में। और देखिए कितना अच्छे से फूल गया है क्योंकि हमने इसके अंदर भी घी लगाया है और सूखे आटे से इसको डस्ट किया है। कितना बढ़िया से ये फूल गया है, ये देखिए, वाओ, अमेजिंग। तो जब तक हमारा वो पराठा सिक रहा है, इसको भी हम थोड़ा बेल लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। थोड़ा सूखा आटा लगाइए और पराठे को बेल लीजिए। ये देखिए, अब हम इसको उठाकर तवे पर डालेंगे और ये पराठा देखिए, ये कितना अच्छा पराठा सिका है। इसको अब हम निकाल लेते हैं प्लेट में और ये सिकने देते हैं। अब हम इसको पलट लेते हैं। ये देखिए, परफेक्ट। और यहां मैं बताना चाहूंगी कि ये फ्यूचरा का तवा है जिसका मैं रिव्यू आपको देना चाह रही थी, ये वो तवा है। अब हम इस पे लगाएंगे घी, यानी बहुत अच्छे से ये सिक रहा है। कई बार तवा जो है लोहे का बीच में से घिस जाता है और वो फिर बीच में से हल्का हो जाता है तो इवनली नहीं सिकती हैं चीजें। और ये देखिए, तवा बहुत ही बढ़िया है। मैंने आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाई थी। घी आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। देखिए, अच्छे से फूल गया है पराठा। और ये देखिए, ये तवे की खासियत है कि चारों तरफ से पराठा इतने अच्छे से सिकता है। देखिए, तो ये है हमारा फ्यूचरा का तवा जो इतने बढ़िया पराठे सेक रहा है। इसी पे मैं फुलके भी आपको बताऊंगी। दोनों तरफ से परफेक्ट सिक गया है, देख सकते हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, क्रिस्पी पराठे हमारे तैयार हैं। तो आई थिंक आप इसको बनाएंगे, ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़।